हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पर देखिए, आज तो मुझे गांव जाना था, तो फिर अभी ना हम लोग यहाँ पर आए हैं। मम्मी लेकर आई है, जैसे कि यहाँ पर ना घर के पास ही यहाँ पर ब्लैंकेट का दुकान है, और यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे होलसेल रेट में मिलता है, लेकिन जब हमने प्राइस वगैरह पूछा यहाँ पर तो होलसेल रेट में नहीं, बाकी जैसे मिलता है, जैसे यहाँ पे ना वो तोल के देते हैं, ये लोग वजन से देते हैं ब्लैंकेट, जितना केजी का होगा उसके हिसाब से। तो ये 280 रुपये का 1 केजी था, तो जितने इनमें से कोई ब्लैंकेट अगर आपको पसंद आता है तो फिर ये तोल देंगे, उसके हिसाब से फिर ये पैसे लेंगे। तो अगर हम लोग 6 केजी का भी लेते हैं तो इसमें से 6 केजी में से था, और उससे ऊपर भी था और उससे नीचे भी था, तो केजी के हिसाब से मिल रहा था। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक ब्लैंकेट यहाँ पे ये वाला पसंद किया था, और ये ब्लैंकेट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए, ब्लैक और ग्रे कलर का था, कितना खूबसूरत ही लग रहा है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मम्मी को ख़रीदना था, एक गांव का घर है ना यहाँ के लिए, क्योंकि मम्मी भी अभी गांव आएगी दिवाली के बाद, दिवाली के बाद आएगी शायद, कि दिवाली के पहले। छठ पूजा यहीं पे मम्मी करेगी, और ज़्यादातर मम्मी पापा तो गांव में ही रहते हैं, दिल्ली में कम रहते हैं। तो ये वाला मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, इसकी डिज़ाइन वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसका ना 6x7 मतलब कि जो रहता नहीं है रेशियो, बेड का जो साइज रहता है 6x7, उस उतना ही इसका लंबाई और चौड़ाई था। ऐसे अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शायद इतना ही इन्होंने बताया था। डबल बेड में ही आराम से पूरा आ जाएगा। और उसके बाद ये जो हमने इसका वज़न करवाया था, तो ये था मतलब कि 6 केजी से ऊपर था। तो एक और हमने यहाँ पे ओपन करके देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए इस तरह से था, तो ये भी कलर सही लग रहा था। और यहाँ पर आप सब देख सकते हो कितने सारे डिज़ाइन, कितने सारे कलर में थे। तो हमने कहा था कि थोड़ा सा कम रेट लगाइए, और क्योंकि बगल में ही दुकान है, तो फिर वहाँ पर भी मम्मी देखती है, तो फिर वहाँ पर से भी पसंद कर लेती है, यहाँ पर अगर नहीं आता है तो पसंद। और उसके बाद देखिए, हम लोग अभी घर आ गए थे, और मम्मी मेरे लिए गरम गरम जैसे चाय बनाई थी, तो वही मैं पी रही हूँ। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर अपने बैग पैकिंग कर रही हूँ, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, अब बस बैग पैकिंग करना है और खाना खा के फिर हमें निकलना है स्टेशन के लिए। तो बस अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से, टाइम तो है अभी हमारे पास, काफ़ी टाइम है, तो आराम से मैं सारी चीज़ें भर लेती हूँ, कुछ छूटेगा तो मतलब याद आते रहता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर मेरा जो 2 बैग थे हमारे पास, तो 1 बैग तो हमारा पैक ही था, कुछ ऐसे कपड़े भी थे जो हमने निकाले भी नहीं है, और कुछ जो ये कपड़े थे और कुछ छत के ऊपर भी कपड़े हैं शायद, उसे भी मैं ले आती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये सारे कपड़े मैं रख रही हूँ, और ये जो है ना, ये बड़ा बैग में ही हमारा सारा कपड़ा जाता है। एक और बैग है, और एक और थैला है, तो उस थैले में हम लोग खाने पीने की बोतल वगैरह भर लेंगे, और मम्मी रोटी, और ऊपर हमारे लिए मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को ये दिखा रही हूँ, ये 2 पैकेट मम्मी ने चावल दिया है मुझे, यहाँ पर बहुत सारी पैकेट्स थी, तो 2 पैकेट मुझे दे दी मम्मी ने कि ले जाओ बनाना, ये बासमती चावल थे। और यहाँ पर देखिए, ये अब हम लोग यहाँ रोड पर आ गए हैं, और गाड़ी जो है बुक मतलब कि किए थे, वही अभी आ रही है। और ये मेरी फ्रेंड है जो बगल में ही रहती है, तो ये भी हमें छोड़ने के लिए आए थे, तो फिर बस अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हमें निकलना है, और रेलवे स्टेशन में जा पहुँचते ही हमें जैसे कि टाइम तो लग जाएगा, 1-1.5 घंटे तो लग जाएगा, और इस रूट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है,
तो यहाँ पर देखिए कैसे छोटा वाला भाई है ये, तो मतलब कि वो उसको भी ठीक नहीं लग रहा था। देखिए कोई भी अभी इतने दिन रह के कोई जाता है ना, तो किसी को भी ठीक नहीं लगता है, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, अब जाना ही पड़ेगा। और दिवाली भी है सर पर, जैसे कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि हमें दिवाली के लिए बहुत मतलब कि पहले ही तैयारी करनी पड़ती है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और आप सभी कमेंट आ रहे थे कि दी आप दिवाली में कहाँ रहोगे, घर की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। वीडियो मेरी लेट से जा रही है, ये मैं आ गई थी शायद 27 अक्टूबर को मैं आ गई थी, तो ये जो डेट है ये 26 अक्टूबर का है, तो मतलब कि थोड़ी सी लेट हो रही है मेरी वीडियो जाने में आप लोग तक, लेकिन मैं घर पहुंच गई हूं। और घर पहुंच के आगे आगे वीडियो में देखिएगा मतलब कि दिवाली की सफाई फिर मैंने की, और काम है, और देखिए इतना बड़ा त्यौहार है तो मेरा भी घर है, तो कैसे सारे चीज़ों को देखना पड़ता है मुझे भी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, और मम्मी का बस आशीर्वाद मैं ले लेती हूँ हम लोग और सब लोग। और यहाँ पर ना मम्मी देखिए इस तरह से कर रही है, आप लोग को पता ही होगा कि कहीं जब कहीं से आते हैं तो इस तरह से करते हैं, और कहीं जाते हैं तो भी इसी तरह से करते हैं, ताकि बुरी नज़र लगी है तो यहीं पे रह जाए, और कहीं से आते हैं तो बुरी नज़र हो तो कट जाए। तो बस ये माँ मतलब कि समझ सकते हो आप कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर ही सोचती है, और सारे बुरी नज़रों से बचा के रखती है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, और ठीक है ये ओला ही मुझे सही लगता है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, और ये जो ओला है ना ये मतलब कि ऑटो से सही रहता है, क्योंकि ऑटो में देखिए हवा भी चलती है, और वो लोग ज़्यादा थोड़ा पैसा लेते हैं और ये लोग हिसाब से पैसा लेते हैं, तो ऑटो भी ठीक है और ये ओला भी ठीक है। इसमें ऑनलाइन भाई ने पेमेंट वो कर देता है, तो वही सब चीज़ हमारे लिए कर देता है, टिकट्स वगैरह सब मेरे भाई कर देते हैं। जितने भी हम लोग इधर गए, सूरत गए, फिर दिल्ली से गांव जाना, गांव से फिर दिल्ली जाना, तो ये सब मेरा भाई कर देता है टिकट्स वगैरह अपने मोबाइल से। और मुझे टिकट्स वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं है। तो अभी देखिए हम लोग बस निकल गए हैं और रेलवे स्टेशन के लिए, और रेलवे स्टेशन में देखिए ये जो आपने देखा था ना, ये मायावती ने ये पार्क बनवाया है दिल्ली में, पता नहीं इसका नाम मुझे नहीं याद है, बस वहाँ पे लिखा था कोई भवन करके था। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ही बस हमें ट्रैफिक मिलता है आगे जाके, और इसी भवन की मैं बात कर रही थी, शायद ये उन्होंने बनवाया, मुझे उतना नहीं पता पर मैंने बोर्ड में लिखा हुआ देखा था। और अभी देखिए हम लोग बस निकल गए हैं, और यहाँ पर ना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था जाते वक्त, आते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाते वक्त किसी को अच्छा नहीं लगता है। अपने मायके से कोई भी जाएगा तो अच्छा, देखिए घर जाने के बाद तो अलग वो तो होगा ही कि खुशी होती ही है, लेकिन घर से निकलने वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं अपने घर पहुंच जाती हूँ ना, फिर मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक लगा हुआ था, तो बस अभी रुक के ही गाड़ी जा रही थी, और हम ना घर से निकल गए थे 2 बजे, 2 बजे हम लोग निकल गए थे करेक्ट टाइम पर, लेकिन हमारी ट्रेन थी वो 4 बजे वहाँ से खुलती ट्रेन जाने के लिए, तो फिर भी हमने सोच रहे थे कि कहीं लेट ना हो जाए, और मतलब कि 4 बजे का ही ट्रेन था तो हम लोग ना पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज ट्रैफिक नहीं था, और हमने सोच रहे थे कि कहीं मिल लेना, क्योंकि ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ट्रेन हम मिस कर देते हैं अगर पहले ना निकले तो। और मेरे घर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तो दूरी था, तो देखिए यहाँ पर बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ पर ना जो अयांश था वो सोया था गाड़ी में, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं करता है, तो सही रहता है, क्योंकि छोटा बेबी लेकर निकलना फिर थोड़ा सा होता है। और अब देखिए हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बाहर का सीन है, तो यहाँ पर बस अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म
पर आएगी हमारी ट्रेन जो है, तो हम लोग रांची दिल्ली से रांची जो चलती है ट्रेन गरीब रथ, उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे बोर्ड लग रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से पता चल जाता है कि हमें कि कौन से प्लेटफॉर्म पर वो आ रही है, तो उसी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट फिर हम लोग चले जाते हैं। तो ये भी रेलगाड़ी का ये सफ़र है ना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और बस अभी हम लोग चले जाते हैं जहाँ हमारी ट्रेन, और ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेन ना खड़ी रहती है, तो हम लोग बस अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं अपने अपने सीट पर। और बस अभी मैं घर जाती हूँ और फिर आगे की वीडियो में और आपको ट्रेन का जर्नी शेयर करूँगी।